भगवान विष्णु के आठवें अवतार श्री कृष्णा जी 16 कलाओं से परिपूर्ण एक ऐसे अवतार जो कि इस धरा में आज तक इस तरह का अवतार और देखने को नहीं मिला है, श्री कृष्णा जी। जी हाँ, उन्हीं के वंशज, उन्हीं के पुत्र प्रद्युमन ने रियासत की स्थापना की और श्री कृष्णा के वंशज की भूमि के नाम से जाने वाला और पांडवों के वनवास की 12 साल वनवास पांडवों ने काटा, पांडवों के वनवास की भूमि जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश, भारत। आज हम उसी की बात करेंगे। किन्नौर का नाम किन्नौर क्यों पड़ा? किन्नौर का नाम किन्नर, किन्नर का मतलब होता है तिब्बती भाषा में, किन्नर का मतलब होता है आधा पुरुष और आधा ईश्वर। किन्नर किस तरह का नर मनर? अन्य जनश्रुतियों के अनुसार किन्नर को अश्वमुख वाले इंसान कहा जाता है। जी हाँ, आज हम उसी की बात करेंगे, खूबसूरत किन्नौर। और हम सभी जानते ही है किन्नौर अपनी सुंदरता के लिए बेहद ही दुनिया भर में मशहूर है। अगर हम यहाँ के इतिहास की बात करें और यहाँ के रियासतों की बात करें, किन्नौर पहले बुशहर रियासत का हिस्सा था, जैसा कि हम सभी जानते हैं। अगर हम बात करें इसके इतिहास की, सबसे पहले हमें जानना होगा महासू। इवन एक अपना एनालिसिस किया है कि महासू का एरिया 50% किन्नौर में पड़ता है, 30% शिमला में प्रेजेंटली पड़ता है और सोलन में जो है 20% पड़ता है। तो रामपुर बुशहर जिसकी स्थापना की श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युमन ने, वो यहाँ पे अपने पुत्र अनिरुद्ध की शादी बाणासुर की बेटी उषा देवी से करने आए थे। बाणासुर की मृत्यु के बाद गद्दी पे प्रद्युमन बैठे और उन्होंने यहाँ पे रियासत की स्थापना की। किन्नौर प्लस रामपुर बुशहर के अन्य क्षेत्र इस रियासत में पड़ते हैं। और राजधानियों की हम बात करें, श्री राजा प्रद्युमन ने राजधानी कामरू बनाई, चत्र सिंह ने राजधानी सरहन शिफ्ट कर दी और 110वें राजा थे इसी पीढ़ी के, और राम सिंह ने फिर राजधानी को रामपुर स्थानांतरित किया। हम सभी जानते हैं इन्हीं की पीढ़ी के पद्म पैलेस, पद्म सिंह जी, राजा पद्म सिंह जी का अभी भी वहाँ पे महल देखने को मिलता है रामपुर में। और इन्हीं की 122वीं पीढ़ी के राजा वीरभद्र सिंह जी, जो हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री बने, ऐतिहासिक श्री कृष्णा की धरती, श्री कृष्ण के वंशजों ने इसको स्थापित किया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1547 को मंडी, महासू, चंबा, सिरमौर 4 जिले थे। महासू का जो एरिया मेजरली पड़ता है किन्नौर में पड़ता है सबसे ज़्यादा, और शिमला में पड़ता है और सोलन में पड़ता है। जी हाँ, और पांडवों ने जो 12 साल का अपना वनवास काटा, जनश्रुतियों के अनुसार इसी धरती पे उन्होंने वनवास काटा। और जैसे ही बाणासुर सरहन के राजा थे और प्रद्युमन आपके चंद्रवशी, वाराणसी से आए चंद्रवशी राजा वहाँ पे अपने बेटे अनिरुद्ध की शादी उनकी पुत्री से करने आए थे। आइए जानते हैं बेहद ही खूबसूरत तथ्य हम अपने किन्नौर के बारे में। हिमाचल प्रदेश के जिले के रूप में गठन, छठवा जिला हिमाचल प्रदेश का बना 1 मई 1960 को, जिला मुख्यालय रिकांगपियो, जनगणत्व 13/2011 जनगणना के अनुसार, साक्षरता दर 80.77%, कुल क्षेत्र पर 6401 यानी कि लाहौल स्पीति चंबा के बाद इसका नंबर आता है क्षेत्रफल के आधार पर, और जनसंख्या 84,000 के आसपास, दश की अभिवृद्धि 7.61% और लिंगानुपात 818:2011 जो है जनगणना के अनुसार हम ये डाटा आप तक पहुँचा रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत हिमाचल प्रदेश का छठा जिला। पर्वत और चोटियों की बात करें, बेहद ही खूबसूरत यहाँ पे जॉस्कर पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी हिमाचल प्रदेश की शिला 1725 मीटर इसकी हाइट है। सेकंड नंबर पे लियो पारजील 6791, उसके बाद कैलाश पर्वत, माता पार्वती और भोलेनाथ जी, है ना, शिव जी और पार्वती का पहला मिलन कहा जाता है कैलाश पर्वत में ही हुआ था 6638 मीटर की हाइट पर, उसके बाद शिव की 6608 मीटर की हाइट पर। अगर हम यहाँ पर नदियों की बात करें तो दोस्तों हम सभी जानते हैं शिव दर्रा से, शिपकी नामक स्थान किन्नौर से, मानसरोवर के पास राक्षताल तिब्बत नदी का उद्गम स्थान वहाँ से शुरू होती है, किन्नौर से होते हुए निकलती है। इसकी जो यहाँ की सहायक नदियाँ हैं कसांग, तेती, युला, मुलकुन, स्पीति, बसपा, रोपा, ये छोटी छोटी जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, और बसपा स्पीति इसकी बड़ी सहायक नदियाँ हैं। 320 किलोमीटर का ये हिमाचल में सफर तय करती है सतलुज शिप की दर्रा, और 1448 टोटल लेंथ है पूरी सतलुज की, लेकिन हिमाचल में सिर्फ 320 किलोमीटर के आसपास। और अगर मंदिर और गुम्पों की यहाँ पे हम बात करें, चंडिका माता मंदिर, इसे माता लक्ष्मी का भी रूप माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि बाणासुर की पुत्री है चंडिका, और इनकी बहुत ही धन और वैभव की देवी के रूप में इनकी वहाँ पर पूजा की जाती है। कामरू मंदिर बेहद ही खूबसूरत आपका कामरू में है, और चितकुल मंदिर, उसके बाद है स्वर्गराज मंदिर, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर ये है, बुद्धिस्ट गुम्पा, बुद्धा की जो अलग अलग तरह की चित्रकला यहाँ की दीवारों में देखने को मिलती है, और साथ में यहाँ पे जो बुद्धिस्ट कार्विंग सेंटर भी है।
और बेदी खूबसूरत मंदिर हम आपके सामने आपको पिक्चर्स में दिखा रहे हैं। चंडिका माता मंदिर, कामरू मंदिर, चितकुल मंदिर, स्वर्गराज कामरू, जहाँ पे प्रद्युम्न ने सबसे पहले अपनी राजधानी स्थापित की थी, रामपुर बुशहर की, जी हाँ। और यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा मंदिर भी है, लेकिन प्रमुख मंदिर उनमें से हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, जैसे चितकुल मंदिर। चितकुल इंडो तिब्बत बॉर्डर में सबसे लास्ट विलेज है, वहाँ पे खूबसूरत मंदिर है। अगर हम मेलों और त्यौहारों की यहाँ की बात करें तो यहाँ पे बेदी खूबसूरत मेले और त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे फुलैच फूलों का त्यौहार, उख्यांग छत्रायल अश्लीलता के लिए मशहूर त्यौहार, दखरेनी तोशिम, फागुली लोसार नववर्ष का त्यौहार, जागरो साजो खेपा छांगो शेषुल इराटांग, ये सभी महत्वपूर्ण त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं। लोसार नववर्ष और एक तरह से दिवाली की तरह इस त्यौहार को वहाँ मनाया जाता है। फागुली बेदी सुंदर, यहाँ पे लोग मुखौटे पहनते हैं और तरह तरह की वेशभूषा में नजर आते हैं इस त्यौहार में। और फुलैश में मैंने कहा कि फूलों का त्यौहार है। अगर हम प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें, जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश का किसी अन्य जिलों से कम नहीं है, जैसे कि नाको लेक, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लेक है। नाको छोटा सा गांव है और लेक के चारों ओर छोटे छोटे पेड़ और छोटे छोटे चार मंदिर है। ये हांगरंग तहसील से 2 किलोमीटर नाको गांव में पड़ती है। बेदी खूब सुंदर इसकी विशेषता ये है कि ये आपकी हमेशा आधे समय में साल में जो है बर्फ से ढकी रहती है। उसके बाद है लिपा संग सेंचुरी, उसका कामरू फोर्ट जहाँ पे कुमाक्षा देवी की मूर्ति है, उसके बाद है तिप्तियन वुड कार्विंग सेंटर, सुसाइड पॉइंट, उसके बाद है वर्सरी विलेज, उसके बाद है चितकुल सर इंडो तिब्बत बॉर्डर में 3450 मीटर की हाइट में सबसे लास्ट विलेज, रक्चम, कामरू फोर्ट, सांगला बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, सांगला मिडो, चितकुल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, उसके बाद ट्राउट फार्म भी है, उसके बाद रक्चम, रूपिन पास, रूपिन वैली, बेदी खूबसूरत, सपनी पोर्ट, रोगी विलेज, किन्नर कैलाश, जैसे कि मैंने आपको बताया पृथ्वी का सेंटर, भोलेनाथ कैलाश, भोलेनाथ का जो निवास स्थान ऐसा कहा जाता है जनश्रुति के अनुसार, ये पृथ्वी का केंद्र है और यहाँ पे कैलाश यात्रा भी जुलाई अगस्त में होती है, जहाँ पे परिक्रमा लोग करते हैं। कहा जाता था कि सुबह शाम भोलेनाथ जी यहीं पे देवताओं की मीटिंग बुलाते थे जनश्रुति के अनुसार। उसके बाद चक्का आप देख सकते हैं, बेदी खूबसूरत। बसपा वैली को सांगला वैली भी कहा जाता है, किन्नौर की सबसे सुंदर वैली सांगला वैली। लोक नृत्य की अगर हम बात करें, क्यांग बाक्यांग और एक राक्षस नृत्य छाब यहाँ पे मनाया जाता है, ब्यांगचू जात्रू ग्यांग और जापरो, जी हाँ। राक्षस नृत्य में भी लोग इसी तरह के जैसे मतलब मुखोटे टाइप बनते हैं और मुखोटे पहन के मतलब एक तरह से राक्षस की तरह उनको अपीयर होना होता है, फिर नाचते हैं गाते हैं झूमते हैं, इस तरह के लोक नृत्य यहाँ पे मनाए जाते हैं। अगर घाटियों की बात करें, सबसे बड़ी सतलुज घाटी जिला किन्नौर में है, सतलुज नदी के चारों तरफ। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मेजर नदी है महत्वपूर्ण, वह सतलुज घाटी, सतलुज नदी सतलुज घाटी में। उसके बाद बात करें हांगरंग घाटी की, सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन वैली बसपा या सांगला वैली, सुनामी अरोपा, टिटोंग और भाभा घाटी, भाभानगर भी भाभा घाटी के साथ में है। ये आपकी पाइन नट के लिए, चिलकोजो के लिए और सेब के लिए बेदी मशहूर, ये खूबसूरत घाटियाँ। सेब हिमाचल प्रदेश में किन्नौर में सबसे ज़्यादा होता है, नंबर 1 स्थान पे किन्नौर का आता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम बात करें, वन्यजीव अभयारण्य और झीलों की जैसे वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं, रूपी बाबा सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की 1982 में स्थापित की गई, 503 वर्ग किलोमीटर। रक्चम चितकुल 304 वर्ग किलोमीटर 1962 में, रूपी बाबा की स्थापना 1982 में हुई। लिपा असरंग 30 किलोमीटर से छोटी, 1962 में इसकी स्थापना हुई। नाको हांगरंग तहसील में है, निचार झील आपकी निचार तहसील में है। नाको मैंने आपको बताया बेदी खूबसूरत, नाको गांव में छोटा सा पुराने किस्म का छोटा सा गांव है, 2 किलोमीटर हांगरंग तहसील से है और बेदी खूबसूरती इसके चारों तरफ छोटे छोटे पेड़ और छोटे छोटे चार मंदिर है जिसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। और इसकी बेद महत्व, ये एक महत्वपूर्ण विशेष इसलिए है क्योंकि आधी से ज़्यादा महीनों में ये तो बर्फ़ से ढकी रहती है। निचार झील आपकी निचार तहसील में पड़ती है। तो रूपी बाबा, रक्तम, चितकुल और लिपासन ये यहाँ की जो है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें, हिमाचल प्रदेश में 1 स्थान पे कोई अगर जिला आता है जल विद्युत परियोजनाओं में, सबसे ज़्यादा जल विद्युत परियोजनाएं निजी और सरकारी क्षेत्र की जिला किन्नौर में है, क्योंकि यहाँ पे हेड जो है हाइड्रो पावर प्लांट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो यहाँ पे मिलता है। नाथपा झाकड़ी 1500 मेगावाट, नाथपा में इसका डैम बना हुआ है, झाकड़ी में इसका पावर हाउस बना हुआ है। नाथपा से झाकड़ी 28 किलोमीटर की टनल और अंडरग्राउंड जो है 1 किलोमीटर जाके अंडरग्राउंड इसका जो है पावर हाउस बनाया हुआ है झाकड़ी में। एशिया का सबसे बड़ा प्रजा पावर प्रोजेक्टों में इसका नाम आता है, अंडरग्राउंड में 1500 मेगावाट, बाबा संजय गांधी के नाम से मशहूर संजय गांधी प्रोजेक्ट और HP गवर्नमेंट का सबसे पहला अंडरग्राउंड पावर हाउस
120 मेगावाट 1989 में इसको बनाया गया। शोंगटोंग 420 मेगावाट, उसके बाद है कर्चमबांग 2 1000 मेगावाट, जेपी इंडस्ट्री द्वारा ये चलाया जा रहा है। कर्चमबांग 2 निजी क्षेत्र के ही, बसपा परियोजना 300 मेगावाट ये भी निजी क्षेत्र की, और खाब में 1020 मेगावाट, जांगी थोपड़ में 960 मेगावाट, ये SJVN सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा भी प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। साइट इन्होंने देख ली है और प्रोजेक्ट्स का काम शुरू हो गया है। मतलब सतलुज बेसिन में हाइड्रो पावर पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। नाथवा झाकड़ी के नाम से ही सतलुज जल विद्युत निगम एक जो आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मिनी रत्ना कंपनी है, इसी का नाम सतलुज SJVN सतलुज के नाम से ही पड़ा, क्योंकि इनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस जगह 1500 मेगावाट नाथवा झाकड़ी अंडरग्राउंड। मैंने आपको बताया कि 1 किलोमीटर टनल है पहाड़ के अंदर और अंदर पावर हाउस बनाया हुआ है। 28 किलोमीटर टनल में हाइड्रस टनल आपकी नाथवा से झाकड़ी को बनी हुई है। बेदी महत्वपूर्ण जानकारी जिला किन्नौर की आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। किन्नौर के बारे में, सेब की खेती में किन्नौर का हिमाचल प्रदेश में पहला स्थान, बहुत ही लाल और मीठा सेब। कल्पा के श्याम चरण नेगी 103 साल के, लोकसभा चुनाव 1951 ईस्वी में, लोकसभा चुनाव 1952 में होते, लेकिन किन्नौर में जो क्या हुआ था, वहाँ बर्फ के कारण जो 6 महीने पहले चुनाव करा दिए गए थे, और इसलिए श्याम चरण नेगी ने पहला वोट, भारत का पहला मतदाता इसको कहा जाता है। 2019 चुनावों में इसको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था लोकसभा के, में मत करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये पेशे से टीचर थे, टीचर है अभी भी जिंदा है 103 साल के, और कल्पा के रहने वाले हैं कल्पा। और लॉर्ड डलहौजी ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला से कल्पा स्थानांतरित की थी, जिसका पहले नाम चीनी था, चीनी मासू की चीनी तहसील। पांडवों ने 12 साल का वनवास किन्नौर में बिताया था। किन्नौर के सबसे प्राचीन निवासी खश राजपूत थे। पुस्तकें हैं जैसे बेदी मशहूर, किन्नर देश राहुल संस्कृतियान, किन्नर इन द हिमालया SP वाजपेयी, किन्नर लोक साहित्य वंशी राम शर्मा, द म्यूजिक ऑफ किन्नौर ई ए चौहान ने बेदी महत्वपूर्ण बुकें लिखी। और उसके बाद तिब्बती लोग किन्नौरों को खुन्नू और लाखी लोग इन्हें मोन्ने के नाम से पुकारते हैं। और न्यूजा एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो भारत में सिर्फ किन्नौर में पाया जाता है। रिबा को अंगूरों की भूमि और पू को चिलगोजो यानी पाइन नट्स की भूमि, वहीं मसालों का भंडार किन्नौर को कहा जाता है। इंडो तिब्बत बॉर्डर चितकुल 3450 मीटर अंतिम गांव है। और 1895 ईस्वी में कल्पा में मासू, कल्पा जो मासू की तहसील थी और किन्नौर का मुख्यालय भी रही। हिंदुस्तान तिब्बत रोड हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा NH 22, जिसका नया नाम है NH 05। लॉर्ड डलहौजी ने इसकी जो है नींव रखी थी। और सतलुज नदी पर ज्यूरीपुर ओल्डेस्ट NHP, ये इसका निर्माण 1889 में हुआ है। और हिंदुस्तान तिब्बत रोड सबसे लंबा नेशनल हाईवे माना जाता है। और बुशहर रियासत के राजा शमशेर सिंह जी इतने खतरनाक कि अंग्रेज़ों को 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों की सहायता करनी बंद कर दी, इंदौर तिब्बत रोड का काम बंद कर दिया कि हम अंग्रेज़ों का साथ नहीं देंगे। ऐसे राजा की बहादुरी को हम सलाम करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि किन्नौर सेब की खेती में हिमाचल प्रदेश में पहला स्थान, दूसरे पे शिमला आता है और तीसरे पे कुल्लू आता है। और बेदी महत्वपूर्ण जानकारी शायद ही एक साथ किसी बुक में आपको ये मिल पाएगी। पाइन नट्स 3000 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है, किन्नौर का सबसे बेहतरीन जो है एक तरह से इसको कहे फ्रूट्स या फल। तो देखिए गाइस, ये था हमारा जिला किन्नौर, बेदी खूबसूरत, जिसकी जो हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला बना 1 मई 1960 को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।